फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का फ्रॉम लोटस। और मैंने मंगवाया है लोटस का प्रो एडिट रेंज से सिल्क टच परफेक्टिंग फाउंडेशन। दिस इज़ द फाउंडेशन। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात करते हैं और इसकी प्राइस है 795 रुपीज़। जी हाँ, 795 रुपये इसका प्राइस है। और इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है और प्रोडक्ट क्वान्टिटी इसकी 30 ml है। जी हाँ, और साथ ही इसमें इस रेंज में ना काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, इसकी लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, कॉम्पैक्ट पाउडर, ब्लश, हाइलाइटर। सो मैंने 2 ही चीज़ें मंगवाई थी। कॉम्पैक्ट पाउडर का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो इसे मैंने अभी फ्रिक्वेंटली जितनी बार भी मुझे यूज़ करना पड़ा है मैंने इसे ही यूज़ किया है। और साथ ही इसे मैंने राजस्थानी फेस्टिवल जो अभी निकला था घनघोर, जिस पर मैंने इसे लगाया था, अप्लाई किया था अपने फेस पर। और कम से कम इसका सबसे पहले कम से कम इसका ना मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें लिखा है ऑयल फ्री, हाई डेफिनेशन एंड अल्ट्रा लाइटिंग वाइट वेट, सिल्की टेक्सचर, ब्लेंड्स सीमलेसली एंड प्रोवाइड्स इनविजिबल येट फुल कवरेज, एनरिच्ड विद जैपनीज सेक्यूरा एक्सट्रैक्ट एंड वाइटामिन ई है इसमें, जो कि स्किन को काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग बनाएगी। वाइटामिन ई तो स्किन के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये क्रुएल्टी फ्री है। और साथ ही मैं बता देती हूँ यहाँ पर ग्रीन मार्क दिया हुआ है, जैसा कि लोटस के हर प्रोडक्ट, चाहे मेकअप हो या नॉर्मल स्किन केयर, वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट होते हैं। तो दैट वाज द वेरी नाइस थिंग। एंड साथ ही आपको मैं बता देती हूँ इसका फॉर्मूला, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद ये इस तरह से पंप पैकेजिंग में आता है, जो कि बहुत अच्छा है। और साथ ही आपको आप इस तरह से इसे अपने फेस पर जो भी जितनी क्वांटिटी वन टाइम में ये इतनी क्वांटिटी इसकी निकलती है, सो फेस के लिए थोड़ा सा इससे और ज़्यादा ज़रूर डिपेंड करता है आप फेस मेकअप किससे कर रहे हैं। फाउंडेशन की क्वांटिटी टोटली उस पर डिपेंड करती है। अगर आप ब्रश से अप्लाई करते हैं तो ब्रश बहुत हाई कवरेज देते हैं, अगर आप स्पॉन्ज देते हैं तो वो इवन लुक के साथ साथ आपको मीडियम कवरेज देता है, बिकॉज एक्स्ट्रा जो फाउंडेशन होता है वो सोक कर लेता है। और अगर आप हैंड से अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी हाई कवरेज मेकअप ही देता है। तो चलिए हम इसे अपने हैंड पर, आप मेरे हाथ पे मेहंदी लगी है, सो देखते हैं ये कितना अच्छा कवरेज देता है। ये आपको लग रहा होगा बहुत ग्रीजी है, ऑयली है, बट गाइज ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा जब लगने के बाद थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है ना, तो उसके बाद ये बिल्कुल नॉन स्टिकी हो जाता है। सो मैंने इसे अभी हैंड से टैपिंग सिस्टम से ही लगाया है और आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा मीडियम कवरेज दिया है। और अब हम इसे थोड़ी सी देर, आप इसे ना लगाते ही इसके ऊपर कॉम्पैक्ट अप्लाई ना करें, इसे 1 से 2 मिनट सेट होने दें, क्योंकि इनिशियली क्या होता है ये थोड़ा सा लगाते टाइम थोड़ा सा चिपचिपा टाइप लगता है, बट आफ्टर 2 to 3 मिनट बाद ये बिल्कुल नॉन ग्रीजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहुत लाइट वेटेड है, कुछ भी फेस पर नहीं लगा रखा है। इस वक्त मैंने इसी फाउंडेशन को अप्लाई करके मेकअप किया है और आप देख सकते हैं ये मुझे मीडियम कवरेज दे रहा है। मेरे थोड़े से गड्ढे टाइप से हैं, बिकॉज समटाइम मुझे बहुत सालों पहले एक एलर्जी हो गई थी पूरे फेस पर, जिस वजह से वो काफ़ी हद तक 80% हट चुके हैं, बट स्टिल थोड़े से निशान रह गए हैं। तो ये इस तरह से अब आप देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है और ये बिल्कुल नॉन ग्रीजी हो चुका है, बिल्कुल चिपचिप नहीं कर रहा है, अच्छे से सेट हो गया है। और अब आप इसके ऊपर अगर अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट रहेगा। और अब हम बात करते हैं इसकी स्टेइंग पावर की। तो गाइज अमेजिंगली मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये स्टे करता है आपके, अगर आप लाइट मेकअप करते हैं मेरी तरह, तब भी ये 7 आवर्स ईजीली स्टे करेगा। क्योंकि जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था घनघोर के टाइम में, मैंने इसे सेकंड टाइम यूज़ किया था, तो जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ना, एक फेस्टिवल निकला था राजस्थान में ही है, मनाया जाता है वो प्रॉपरली, शायद आई डोंट नो मारवाड़ में मनाया जाता है या नहीं, बट मेवाड़ में तो मनाया ही जाता है। तो उस पूजन में आपको सुबह 5 बजे पूजा करनी होती है, तो मैंने इसे ऑलमोस्ट 4:30 बजे अप्लाई किया था और इसे मैंने रखा था दिन में 12 बजे तक। जी हाँ, और आई थिंक 12 बजे बाद ये धीरे धीरे स्किन पे निकलने लगा था, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप डार्क हो गया, डार्क तो नहीं, ऑक्सीडाइज भी नहीं करता है ये आपके फेस को बिल्कुल भी, बट हाँ ये हटने लगा था। तो एटलीस्ट आप काउंट कर लीजिए कि
आप देख सकते हैं आप सुबह 6-7 घंटे इजीली, ये सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक रहा है, एज इट इज़ रहा है। और इवन उस दौरान मैंने 11 बजे विदाउट टचअप दिए, मेकअप में 1-2 वीडियो भी बनाकर अपलोड करी थी। सो मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी वीडियो बनाई थी, बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस इसको लेकर, इसकी स्टेइंग पावर इज़ अमेजिंग। इसको सेट होने में टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है, आप 5 से 10 मिनट दीजिए इसे, 2 मिनट तो आपको इसे नॉर्मली सेट करने के लिए देने ही हैं। उसके बाद आप इसे मेकअप, आप कहीं भी जाएँ ना तो या तो आप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लें या फिर आप इसे एटलीस्ट 20 मिनट दीजिए कहीं भी जाने से पहले, तो ये इतना अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाएगा कि मतलब लगेगा ही नहीं कि आपका दूसरा कोई आपने मतलब कोई मेकअप कर रखा है या इस तरह से। इतना अच्छे से इवन टोन देगा ये आपको कि इट्स अ फैंटास्टिक फॉर्मूला। और साथ ही ये थोड़ा सा लिटिल बिट येलोइश है तो ये येलो स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा। और हाँ मैं आपको शेड बताना भूल गई हूँ, मैंने शेड लिया है ऑलमंड शेड, और ऑलमंड शेड जो है ना वो मेरी स्किन के लिए थोड़ा सा वन डार्कर है क्योंकि ऑनलाइन परचेज किया था। और आप ना इसका लिटिल बिट लाइटर शेड लीजिएगा अगर आप मेरी स्किन टोन के हैं तो, और अगर आप थोड़े से मीडियम टोन है, मुझसे थोड़े से डार्क हैं तो आपको ऑलमंड चलेगा, डस्की स्किन है तो भी आपको ऑलमंड चलेगा। जी हाँ, तो ओवरऑल बात करते हैं हम इसकी स्टेइंग पावर, तो इसकी स्टेइंग पावर वो अमेजिंग है, डेफिनेटली पैसा वसूल चीज़ है। बट हाँ ये ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए अच्छा है, बट ये ड्राई स्किन वालों के लिए फाउंडेशन ऐसे उतना अच्छा नहीं है। जी हाँ, ये थोड़ा सा ड्राई स्किन वालों को थोड़ा सा पैची लग सकता है। और बेसिकली इसका फॉर्मूला थोड़ा सूखने के बाद ये आपको बिल्कुल एकदम मैटिफाई लुक देता है, तो दिस इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉट फॉर ड्राई स्किन। सो ओवरऑल दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।